सुपौल के गांधी मैदान में आज आमंत्रण का शुभारंभ होने जा रहा है और सुपौल विलियम्स स्कूल के बच्चे चारों तरफ अपनी प्रतिभा बिखेर रहे हैं। पढ़ लीजिए, यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है आमंत्रण कब का। यूट्यूब चैनल के दर्शकों और सुपौल के दर्शकों का धन्यवाद। मुकाबला देखते हैं आज का, गया बनाम समस्तीपुर। गेंदबाजी में शुरुआत कर चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से आकीब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि दो बल्लेबाज सामने मौजूद, कुश और गौतम ओपनिंग करने के लिए। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग। लंबी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी और थोड़ी सी हवा में तैरी। सुबह का वक्त है और ऐसे में थोड़ी सी मूवमेंट गेंद में अवश्य दिखाई पड़ेगी। तो आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है आमंत्रण कप 2021 की। फिर से पिछले गेंद की पुनरावृत्ति हुई थी, थोड़ा सा अंतर था कि ये छोटी गेंद थी थोड़ी और इसके पहले वाली गेंद थोड़ी सी लंबी थी। अच्छी गेंदबाजी, और लीजिए इस बार थोड़ी सी जगह बनाई थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, पिछले पांव पर और पीछे गए, कवर्स एरिया में धकेलते हुए अपनी टीम का खाता खोला, खुद का खाता खोला। गया एक रन बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर फेंका जा रहा है। समस्तीपुर की ओर से आकीब गेंदबाजी कर रहे हैं, आकीब के सामने पहली दफा गौतम यादव। मिड और लेग की तरफ थी, बल्ले का फेस खोला और गेंद को स्टीयर किया फाइन लेग की दिशा में, अपना भी खाता खोला गौतम ने, यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने खाते खोल लिए। माफ करेंगे, ये लेग बाय के रूप में बेहतरीन शॉट और इतनी ही लाजवाब फील्डिंग अनुकूल राय ने की, अपने दाहिनी तरफ छलांग लगाते हुए शर्तिया चौका निकल जाता ये। और टीम के साथी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई आपने तो कमाल कर दिया, जैसा आप जलवा दिखाते हैं भारतीय अंडर 19 टीम की तरफ से खेलते हुए, वैसा जलवा आपने यहां पर शुरुआत में ही अपनी झलक दिखा दी। और बिल्कुल आईपीएल में इनके कैच को कौन भूल सकता है, जो कैच इन्होंने लपका था उसने मैच की दशा और दिशा भी बदली थी। अच्छी बल्लेबाजी, अपने चंगुल पे थोड़े से ऊंचे उठे और गेंद की ऊंचाई के मन मिजाज को समझते हुए दबा के इस शॉट को खेला था, गली की दिशा में गई। पहला ओवर संपन्न होता हुआ एक ओवर की समाप्ति हुई है, रनों की कुल संख्या 2 बिना किसी नुकसान के गए। शशि शेखर की गेंद गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल मिलती हुई, बल्लेबाज ने जांचा पड़का और बेहतर इसी में समझा बेहतरी की विकेट कीपर के दास्तानों में जाने दें। ओवरसीज में पहले भारतीय बल्लेबाज काफ़ी फंसते थे क्योंकि वो गेंदों को छेड़ते थे, लेकिन अब लिफ्ट करना सीख लिया है भारतीय बल्लेबाजों ने। अकॉर्ड एक्शन है और यहां पर नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता का फ्री हिट, और फ्री हिट पर सबसे ज्यादा आनंद दर्शकों को आते हैं, मैं सारे दर्शकों को यहां पर दिखा देना चाहूंगा। सुपौल टाउन के अंदर खेला जाने वाला गांधी मैदान के अंदर आमंत्रण कप, गौतम यादव कितना फायदा उठाते हैं फ्री हिट का, ये देखना बड़ा ही लाजमी होगा क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट जो होते हैं उसमें आप कोई तब्दीलियां नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, कंधे को घुमाते हुए गेंदबाजी करते हैं शशि शेखर।
पूरा कंधा घूमता है और सर नीचे की तरफ रहता है और ऐसे गेंदबाजों की गेंदों में थोड़ी सी तेजी आती है, चपलता आती है। जब गेंद जमीन को चूमती हो तो गिरने के बाद थोड़ी सी रफ्तार उसकी तेज हो जाती है। अच्छी गेंद, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से बैक टू द बॉलर खेला। शुरुआत का वक्त है, मौसम में थोड़ी सी नमी और इन्हीं सब बातों को देखते हुए समस्तीपुर टीम के कप्तान अफान खान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, रनों की कुल संख्या 3 बिना किसी नुकसान के गया। लीजिए ये गेंद, थोड़ी सी स्किट कर गई थी, काफी तेज रफ्तार से दौड़ लगानी होगी, अगर गिल्लियों में जाकर गेंद टकराती तो अवश्य यहां पर खतरा दिखाई पड़ रहा था। अच्छी कोशिश हुई, लेग बाई का इशारा और लेग बाई के जरिए 2 रन और खाते में जोड़ लीजिए, कुल रनों की संख्या 5। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, दोनों बल्लेबाज अपने एक एक रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से नीची रही थी गेंद और शायद पिछली गेंद पर भी थोड़ी गेंद नीची रही थी तो बल्लेबाज ने अपने बैकलिफ्ट को ज्यादा हाई नहीं किया, उन्हें अंदाजा था कि शायद यह गेंद भी थोड़ी नीची रह जाएगी। ये कल्पना कीजिए कि कोई बल्लेबाज पहले से अगर आंक ले इन सब बातों को तो वो टैलेंटेड खिलाड़ी होगा। अच्छी गैदरिंग बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप अपने लाइन लेंथ को खोते हैं तो अंपायर मजबूर हो जाते हैं दोनों हाथों को फैलाने के लिए। एक ऐसे अंपायर जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, मनविंदर सिंह विस्ला, विजय दहिया के खेल पर अंपायरिंग की है, ये बड़ी बात। 850 मैचों का अनुभव इन्होंने पर्ची मुझे दी थी। कमिट तो किया था, सफल भी किया था, खुद को कदमों को बाहर भी निकाला, लेकिन जैसे देखा कि गेंद में रफ्तार नहीं, अपने बल्ले के धार को कुंद किया, ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गया टीम का कुल योग है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। आकिब बिल्कुल अंपायर के करीब से गुजरे थे लेकिन गेंद ज्यादा दूर गुजर गई, दोनों हाथों को फैलाया, अंपायर विनय झा ने वाइड एक और। अब तक बल्ले से जो रन निकले हैं वो मात्र 1 और बाद बाकी 6 रन अतिरिक्त के शामिल हैं वाइड और लेग बाय के जरिए। धूप छांव की मिचौली, आंख मिचौली चल रही है और ऐसे में आकिब तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे उनका। अच्छी गेंद थी, ऐसा लगा एक बार कि लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल जाएगी लेकिन लेग पर गिरने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला, गेंद ने मिडल स्टंप की तरफ आई, बल्लेबाज ने अपनी कलाइयां मोड़ी, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को मोड़ा, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 7 पर कांटा अटका हुआ, चूंकि एक बड़ा मैच है, 30 ओवर्स के मुकाबले आजकल बड़े ही माने जाएंगे तो ऐसे में धैर्य की आवश्यकता होती है, अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखते हुए दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट और जो बल्ले से आवाज आई तो उस वक्त ही आभास हो गया था कि भाई ये गेंद रुकने वाली नहीं है, शानदार चौका, थर्ड मैन वाइडिस्ट थर्ड मैन की दिशा में निकल गया। आखिर में बल्लेबाज ने बल्ले के फेस को बंद किया, एक लंबा शॉट लगाना चाहते थे सामने की दिशा में लेकिन जैसे ही देखा कि मैं लेट हो चुका हूं, बल्ले के मुंह को बंद कर लिया और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए 1 रन लिए। इस 1 रन के जरिए रनों की संख्या कुल चली गई 12 रन
तीसरा ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं गया बनाम समस्तीपुर का मुकाबला। समस्तीपुर की टीम शतरक्षण कर रही है, आकिब कमेंट्री बॉक्स से एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद की दिशा बिल्ड लॉर्ड लेग की तरफ थी, क्योंकि शुरुआती का वक्त तो ऐसे में फ्लिक करने का खतरा, ग्लांस करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं मिला, मौका लगाया चौका, ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन। ओ डंडा हिलता हुआ, क्या शानदार वापसी की है शशि शेखर ने। पिछली बॉल अलग किस्म की थी, शरीर के काफी दूर डाली गई थी, इस पर चौका भी लगा था और अगली गेंद पर चौंकाते हुए बल्लेबाज को उन्होंने सीधी गेंद डाल दी, थोड़ी सी उछाल और यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ। गया की टीम पहले विकेट को गवा चुकी है। आउट होने वाले बल्लेबाज कुश प्रताप वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 10 रन बनाए कुश प्रताप ने और पहली सफलता शशि शेखर ने अपनी टीम को दिला। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी मूवमेंट थी गेंद में, गेंद टप्पा पड़ने के बाद जब थोड़ी सी गेंद हिले तो उसमें परेशानियां होती हैं और उस हल्की सी हिलती हुई गेंद को पढ़ पाना गेंद बल्लेबाजों के लिए मुमकिन नहीं होता। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, कप्पा पड़ने के बाद जिस तरह से कंधे का इस्तेमाल करते हैं, सर उनके नीचे रखते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टाइल है, लेकिन आपने देखा होगा जो ऑकवर्ड स्टाइल के खिलाड़ी होते हैं चाहे बैडमिंटन चाहे टेबल टेनिस लॉन टेनिस या क्रिकेट में, वो चौंका देते हैं सामने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी को। जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, ये सारे इनकी एक्शन ऑकवर्ड है। बहुत ही अच्छी गेंद, जब से कुश प्रताप को वापस पेवेलियन भेजा है शशि शेखर के इरादे कुछ नेक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक शानदार ओवर संपन्न होता हुआ, इस ओवर में शशि शेखर ने एक विकेट लिए और कुल रन खर्च किए 4, तो कुल 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 16 रन एक विकेट के नुकसान पर गया। तो फिर से अशफान खान ने अपने गेंदबाज आकिब पर ही भरोसा जताया और इन दोनों की गेंदबाजी प्रथम स्पेल की हो रही है। 5वां ओवर शुरू हो चुका है और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं अशफान खान टीम के नायब कप्तान। अच्छी गेंद और खींच के दे मारा है, शानदार चौका, स्क्वायर लेग की जानिब निकलता हुआ बेहतरीन शानदार चौका, ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से जब भी आप खेलेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके पास ऑप्शन रहता है एक सिंगल लेने का और वही बड़े ही चालाकी से किया अभी अभी राकेश गौतम यादव ने। गौतम पहुंचे अपने सिंगल के जरिए कुल 5 के निजी योग पर। अच्छी उछाल प्राप्त की, कंधे का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज के कंधे के ऊपर से निकल गई। वन बाउंस का इशारा अंपायर का, अंपायर हैं विनय झा और अनिल गुप्ता, बीसीए पैनल से जुड़े हुए बड़े अंपायर। पहले पावर प्ले का खेल चल रहा है, ठीक है सर, ना ना जाते नहीं, सर का नाम बीच में बोल दीजिए, ठीक है।
भाग्यशाली रहे यहाँ पर गेंदबाज, अन्यथा वाइड करार दी जाती। लेग गार्ड से चूमती हुई चली गई थी विकेट कीपर के पास। शॉट तो अच्छा था, लेकिन जब तक आपके पास प्लेसमेंट नहीं होंगे, अच्छे शॉट्स पर रन नहीं मिलते हैं, और कभी कभी बल्ले के इनर या आउटर एज को लगती हुई गेंदें जो बाउंड्री लाइन की तरफ चली जाती है, उस पर चौके भी मिल जाते हैं, तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ। कुल 5 ओवर की समाप्ति हुई है। गया टीम का कुल योग है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर राकेश तिवारी का खाता खुलना बाकी। गौतम यादव खेल रहे हैं अपने कुल 5 के निजी योग पर। अंदर की तरफ परिवर्तन के तौर पर इस पर क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने। गेंदबाज हैं शशि शेखर, अब तक के एकमात्र सफलतम गेंदबाज। जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न, तो दोनों ही गेंदबाजों ने फार अवे एंड और कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से आकिब और शशि शेखर ने अच्छी गेंदबाजी की है, लाइन लेंथ को मेंटेन रखा है और बल्लेबाजों पर अंकुश भी लगा रखा है। इसे उछाल प्राप्त की शशि शेखर ने, सामान्य कदकाठी के शशि शेखर, लेकिन ऐसी सामान्य कदकाठी में आपने भुवनेश्वर कुमार को भी देखा होगा, अजीत अग्रवाल को भी देखा होगा, चेतन शर्मा भी ज्यादा कदकाठी में बड़े नहीं थे, लेकिन कमाल के गेंदबाजी ये सारे गेंदबाज रहे हैं। उसी परंपरा में यहां आकिब और शशि शेखर को आप गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। सफल किया था बल्लेबाज ने खुद को, आगे आए थे लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ आ रही थी। अपेक्षा की थी बल्लेबाज ने कि यह गेंद मिड और लेग की तरफ निकलेगी। सफल भी किया था खुद को, आखिरी वक्त में उनके पास मौका नहीं, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किए। ऐसा होना लाजमी है, आपने भारतीय टीम में भी देखा होगा अक्सर विराट कोहली अपने खिलाड़ियों से बातें करते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद, लगभग 35-30 सेंटीमीटर टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद जब आ जाए तो बल्लेबाज भला उसमें क्या कर सकता है। एक और डॉट, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, ज्यादा फायदा तो नहीं उठा पाए, लेकिन एक बड़ा फायदा यह मिला कि सामने से अनिल गुप्ता का इशारा आया है नो बॉल का, फ्री हिट का इशारा आता हुआ, और इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। पांच खिलाड़ी ऑफसाइड, 4 खिलाड़ी ऑनसाइड की व्यूहरचना के साथ शशि शेखर, ये गेंद और यहां पर गेंद नीचे रही थी, बल्ले पर आई नहीं, और इसी के साथ एक लेग बाई का रन जुड़ता हुआ खाते में। गया का कुल योग इस सिंगल के जरिए चला गया है 24 रन। छठा ओवर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, गेंद के पीछे आए थे, दिशा दिखाई, गली की दिशा में गेंद फील्ड हुई, छठा ओवर भी संपन्न होता हुआ। इस ओवर में शशि शेखर ने अच्छी गेंदबाजी की और मात्र 3 रन खर्च किए। गया 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये दूसरे पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता की तरफ से। नए गेंदबाज वाचस्पति आए हैं और उनका सामना करेंगे राकेश। नीची रही थी गेंद, और ऐसे गेंदों पर विकेट कीपिंग करना बड़ा ही दुभर हो जाता है। फिर से नीचे रहते गेंद, जांचा परखा
और विकेट कीपर के दास्तान में जाने दिया। राकेश तिवारी ने, राकेश तिवारी गेंदों को परख रहे हैं काफी। और ये आवाज हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, अंपायर भी सुने, और खिलाड़ी को वापस जाना पड़ रहा है पेवेलियन। इसकी सबसे बड़ी वजह कि बल्ले के बाहरी हिस्से को गेंद ने चूमा और कहा कि आप पेवेलियन वापस जाइए। आवश्यकता नहीं थी बल्लेबाज को इस तरह की बल्लेबाजी करने की। 30-30 ओवर्स के मुकाबले हैं, थोड़ा सा और टिककर, थोड़ा सा और धैर्य की परीक्षा आप देते और उस परीक्षा में जब पास करते तो आपके पास रनों का एक पहाड़ खड़ा मिलता। लेकिन चलिए, क्रिकेट है, इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, गया टीम का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया मिड ऑफ में और मिले हुए वक्त का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए गया टीम का स्कोर पहुंचा दिया है कुल 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गया टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग और दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया इस शानदार फील्डिंग के। शर्त या चौका निकल जाता वहां पर। पहले तो रन आउट होने का खतरा था, गिल्ली के थोड़ी दूर गेंद निकल गई और काफी दूर थे बल्लेबाज। फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल यॉर्क करा दिया था लगभग वाचस्पति ने बल्लेबाज को। आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया और एक और अच्छा ओवर संपन्न किया है वाचस्पति ने। इस ओवर में 1 विकेट प्राप्त किए तो कुल 28 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर गए। अब देखिए, भारतीय अंडर 19 के क्रिकेटर, मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर अनुकूल राय आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, आपके ग्राउंड में दिखाई पड़ रहे हैं। दर्शकों से गुजारिश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अपने शानदार दमखम पर इन्होंने भारत की अंडर 19 टीम को फाइनल का रास्ता दिखाया था, ताकि इसके पूर्व जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी ऑस्ट्रेलिया को हराकर, उस टीम का बेस्ट बॉलर के रूप में अनुकूल राय उभरे थे। अनुकूल राय की पहली गेंद कवर्स एरिया में खेली गई। सुशांत सिंह अनुकूल के सामने काफी झुककर बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखभाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं गया के बल्लेबाज, क्योंकि 2 विकेट उनके प्रथम पावर प्ले के अंतर्गत ही गिरे तो ये वक्त है कि उनके बल्लेबाज सोच समझकर बल्लेबाजी करें। राकेश तिवारी, अनुकूल की गेंद, गेंद के पीछे आए थे, सावधानी पूर्वक गेंद को खेला। बाया हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अनुकूल। दर्शक दम साधकर इस मुकाबले को देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि अनुकूल राय, जिन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था, बेस्ट बॉलर भी रहे थे टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप में अंडर 19, क्या खासियत उनकी गेंदों में। काफी सोच समझकर बल्लेबाजी की, इस ओवर को संपन्न कराया दोनों बल्लेबाजों ने तो कुल 8 ओवर संपन्न हुए हैं। रनों की कुल संख्या गया 30
दो विकेट के नुकसान पर। सीधी गेंद सीधे बल्ले से कवर्स एरिया में। तो फिर से वाचस्पति आए हैं जिनके रूप को आपने पिछले साल देखा था, शानदार गेंदबाजी एक्शन और लाजवाब विकेट टेकिंग परफॉर्मेंस किया था। लंबी गेंद, और अक्सर वाचस्पति को मैंने लंबी गेंदों पर यकीन दिखाते हुए देखा है, फुल लेंथ गेंदें करते हैं, पेस रखते हैं अपनी गेंद में, तेजी पर इन्हें यकीन है। फिर से फुल लेंथ गेंद डालने की कोशिश, फुल टॉस बनाते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ते हुए एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से फुल लेंथ गेंद, लेकिन दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले पर गेंद आई नहीं। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पीछे गए थे क्रिस की गहराई का इस्तेमाल करते हुए। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, इस सिंगल के जरिए गया 33 रन दो विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गेंद थोड़ी सी कर्व करती हुई निकल जाएगी लेग स्टंप की तरफ, लेकिन सामने आए, अपने सामने खेला और एक और ओवर संपन्न होता हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रनों की संख्या 33 दो विकेट के नुकसान पर गए। भारतीय अंडर 19 टीम के एक सशक्त खिलाड़ी अनुकूल राय गेंदबाजी कर रहे हैं सामने वाले एंड की तरफ से, बाएं हाथ से। और यहां पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिस तरह से आहें भरी शतरक्षकों ने, तो काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं गया के बल्लेबाज। दो बल्लेबाज उनके पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज पुष्प प्रताप जिन्होंने 10 रन बनाए, 6 रन बनाकर वापस गए गौतम यादव, राकेश और सुशांत के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी। थोड़ी सी टॉस कराई थी बॉल को, थोड़ा सा परिवर्तन किया था गेंद में, गेंद के पीछे आए, बैक टू द बॉलर खेलते हुए एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के जरिए गया टीम का कुल योग 34 दो विकेट के नुकसान पर। अनुकूल राय ज्यादा मौके नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं बनाने दे रहे हैं बल्लेबाजों को। जो एक्यूरेसी होती है गेंद की, वो आप देखिए इनकी गेंदों में, न लंबी गेंद न छोटी गेंद, सही लाइन लेंथ पर गेंद। फिर से देखिए किस तरह से गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। बजाइए जोरदार तालियां इस भारतीय अंडर 19 विश्व कप खिलाड़ी के लिए, जो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं और समस्तीपुर के साथ साथ बिहार राज्य का इन्होंने नाम रोशन किया देश के फलक पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी और कुछ भी नहीं कर पाए बल्लेबाज। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने अपना थोड़ा सा कांटा बदला, ऑफ स्टंप के ऊपर लगी हुई गिल्लियों को निकाल कर ले गई गेंद, और तीसरे विकेट का पतन हुआ है गया का। आउट होने वाले बल्लेबाज राकेश तिवारी, और राकेश तिवारी ने कुल कितने रन बनाए मैं अभी जोड़कर बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लंबी गेंद, गेंद के पीछे आए नए आए हुए बल्लेबाज प्रवीण यादव है, और प्रवीण यादव रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। वाचस्पति
बाएं हाथ से ओवर द विकेट बहुत ही अच्छी गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था और ऐसे में बल्लेबाज के पास एक ही चारा बचता है कि आप गेंद को जाते हुए देखें। काफी दूर निकल आए हैं, थ्रो थोड़ा सा वाइट। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल जी हाँ, ऐसे बुलंद शॉट लगाएंगे तो फिर जो रनों का आंकड़ा है 30 ओवर्स के मुकाबले में वो समस्तीपुर के लिए एक खासा चुनौती पेश करेगा, लेकिन ऐसे कई शॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट टू यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। फुल लेंथ गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद के नीचे आए थे, सामने की दिशा में ड्राइव किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और लिए। 11वां ओवर संपन्न हुआ है और 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात गया टीम का कुल योग है 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन। तो एक बार फिर से अनुकूल राय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं राउंड द विकेट। अंपायर अनिल गुप्ता को पार करते हुए गेंद थोड़ी सी सीधी कवर से एरिया में खेला गया शॉट, रन की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद पर और ये गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है 4 रनों के लिए। एक मस्ट नीडेड 4 यहां पर निकला है, अति आवश्यक चौका और इस चौके की मदद से 44 की रन संख्या चली गई है कुल गया टीम की, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर गया। 12वां ओवर लेकर आए हैं अनुकूल राय, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए जब चैंपियन बनी थी टीम इंडिया तो उसमें इनका योगदान काफ़ी बड़ा था और बेस्ट बॉलर घोषित किए गए थे अनुकूल राय। इस बार अनुकूल राय ने चूंकि बायां दायां संयोजन है, एक बायां हाथ का बल्लेबाज एक दायां का बल्लेबाज, तो इसके लिए गेंदबाजों को कभी राउंड द विकेट और कभी ओवर द विकेट गेंदबाजी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि आपके 3 विकेट्स गिर चुके हैं और ऐसे में अभी आपके हाथों में 18 ओवर्स की गेंदबाजी और शेष बची हुई है, आपको इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है गया का। वाचस्पति एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद, गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया है और बिजली की रफ्तार से गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। अच्छी चपलता पैरों की अगर आप दिखाते हैं, आपके फुटवर्क अगर स्ट्रांग होते हैं तो बिल्कुल आपको 4 रन अवश्य मिलेंगे। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट टू बाय आदित्य विजन। और इसी के साथ गया टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। थोड़ी सी उछाल प्राप्त की इस गेंद से और फॉलो थ्रू अगर आपका स्ट्रांग है, फॉलो थ्रू में कई गेंदबाजों को आपने काफी चपल देखा होगा, खासकर कपिल देव का फॉलो थ्रू, चेतन शर्मा का फॉलो थ्रू, अजीत अगड़ का फॉलो थ्रू काफी स्ट्रांग माना जाता है। तो 50 रन पूरे हुए हैं गया टीम के, हालांकि उनके 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं, एक बड़ा दायित्व तो प्रवीण यादव के कंधे पर। बाहर जाती हुई गेंद नीचे भी रही थी और ऐसे में कभी कभी खतरा खुद ब खुद मोल ले लेते हैं बल्लेबाज, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद निकल जाती है।
बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग भाई का इशारा अंपायर की तरफ से आया। कभी कभी गेंद लगती है आपके बल्ले पर तेजी से चली आएगी, लेकिन गेंद रुक जाती है बीच में, उसकी सबसे बड़ी होती है वजह कि गेंद को आपने उंगलियों से नचा दिया है, उंगलियां फेर दी हैं, और ऐसे में बल्लेबाज कभी कभी धोखा खा जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल तेज़ गेंदबाज स्लोअर मारते हैं और स्लोअर गेंदबाज तेज़ रफ्तार की गेंदें फ्लिपर मार देते हैं, सीधी गेंद डाल देते हैं, और ऐसे में खतरा पैदा होता है बल्लेबाज के लिए। वाचस्पति बाएं हाथ से ओवर द विकेट, उल्टा उछाला है, लेकिन क्षेत्ररक्षक काफी पीछे रह गए, गेंद आगे जाकर गिरी है, एक और अति महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। सुरक्षित रखा, अच्छी फ्लाइट दी गेंद में परमजीत ने, और फील्ड की पोजीशन चूंकि दूसरे पावर प्ले का खेल चल रहा है, ऐसे में पांच क्षेत्र रक्षक अंदर होते हैं। ऑन साइड में मिड ऑन की दिशा में घुमाते हुए थोड़ी सी तब्दीलियां आई हैं आजकल के खेल में, जो ऑफ स्टंप की गेंदें होती हैं उन्हें अब बल्लेबाजों ने ऑन की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है, और कई विचित्र शॉट आए हैं, दिल स्कूप, रिवर्स शॉट, स्विच हिट, 360 डिग्री कोण के लिए माहिर एबी डिविलियर्स ने सारे विश्व को एक से एक विधाएं दी हैं, बल्लेबाजी के गुण सिखाए हैं। फिर से फ्लैटेड बॉल, लेकिन सीधे बल्ले पर लिया बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, और इस सिंगल के जरिए गया की टीम का कुल योग चला गया 57 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर गया। ओवर नंबर 14 हमारा चल रहा है। फिर से फ्लैटेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, क्या बात है, शानदार कैच लपका वहां पर, एक बार में गेंद हाथों से छिटकी थी, और बल्लेबाज हैं कि विश्वास, यकीन और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अब आज के दिन इस ग्राउंड को छोड़ना पड़ेगा। तो एक बड़ा विकेट प्रवीण के रूप में परमजीत ने अपनी टीम को दिलाई, और वापस प्रवीण मायूसी के साथ पेवेलियन लौट रहे हैं। चौथे विकेट का अभी अभी पतन हुआ है, प्रवीण वापस पेवेलियन आ रहे हैं, और आउट होने से पहले प्रवीण ने कुल 7 रन ही मात्र जोड़े अपने टीम के खाते में। 34 पर पिछला झटका लगा था, और अभी एक और विकेट गिरा है गया का, स्कोर है 57 4 विकेट के नुकसान पर। फ्लैटेड बॉल, बैक टू द बॉलर, जिनका दर्शन अभी दूर से आप कर रहे हैं ये दूरदर्शन पर भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से कई नाम मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि आपके ग्राउंड पर आज जो मौजूद हैं वो समस्तीपुर की तरफ से अशफान खान, बिहार के सारे फॉर्मेट विजय हजारे, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व कर चुके अशफान खान, सरफराज ये भी सारे फॉर्मेट में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, शशि शेखर विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, संकल्प सौरभ अंडर 23 बिहार, निशांत रणजी बिहार, परमजीत अंडर 19 बिहार, हृदयानंद सिंह अंडर 23 बिहार, जबकि गया की तरफ से निकू सिंह विजय हजारे ट्रॉफी, प्रवीण यादव रणजी ट्रॉफी, कुंदन शर्मा विजय हजारे, राकेश तिवारी झारखंड रणजी प्रेजेंट कर चुके हैं, जबकि रंजन राज अंडर 23 बिहार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये सारे बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम आपके बीच हैं, और अब सबसे बड़ा नाम आखिर में अनुकूल राय, जिन्होंने पिछले साल भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, और बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजे गए थे
वो यहां अपनी चमक और धमक दिखा रहे हैं। और विकेट कीपर और गेंदबाज को जोड़ ले तो कुल 7 यानी कि 4 खिलाड़ी ही मात्र घेरे के बाहर हैं। लेकिन अब तक कुछ ऐसा दमदार खेल हो नहीं रहा है, चौके छक्के लगाए नहीं जा रहे हैं जिससे कि ये पावर प्ले का कुछ असर पड़ पाए। बल्लेबाजों ने ज़्यादा फायदे नहीं उठाए हैं। अपने दूसरे स्पेल को लेकर आए हैं आकिब। फुल लेंथ गेंद और स्टीयर करते हुए गेंद को आसानी के साथ एक रन लिया। जब तक गेंद फील्ड की जाती सरफराज मौजूद। अशफान मिड ऑफ में तो सरफराज मिड ऑन में, दो दमदार क्रिकेटर। और यहां पर किसी तरह से गेंद की लाइन से खुद को बचाना चाहते थे, चोट से बचना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई पीछे विकेट कीपर के और उनके ग्लव से लगते हुए निकले थे तो बल्लेबाज के खाते में एक और रन। रनों की कुल संख्या चली गई 60 रन। 4 विकेट का पतन हुआ है 60 रन, जबकि 15वां ओवर फेंका जा रहा है आकिब के जरिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्का सा गेंद ने कांटा बदला था, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल और थोड़ी सी मूवमेंट। खुद को शफल किया, आगे बढ़े थे लेकिन पूरी तरीके से जब तक स्वीट स्पॉट पर गेंदें पड़ती नहीं हैं आपको आपकी मनचाहे रन मिलते नहीं। खैर रोटेशन भी मस्ट, रोटेशन करना भी एक बड़ी कला होती है ताकि गेंदबाजों को थोड़ी सी परेशानी हो बल्लेबाजों के बदलने से, उनके लाइन लेंथ में थोड़ी सी तब्दीलियां होती रहती हैं। एक रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज ने कहा जी नहीं, खतरे मत मोल लीजिए, अभी हमें कुछ आगे का रास्ता तय करना है। और लीजिए इसी के साथ तो वक्त होता है आमंत्रण कप में ड्रिंक्स का। तो ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है और ड्रिंक्स के प्रायोजक बैजू चौधरी। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद एक बार फिर से खेल शुरू होने की प्रक्रिया में और सामने से गेंदबाजी की जिम्मेवारी एक बार फिर से और इसी के साथ देखते रह गए। समझ में कुछ बातें आई नहीं लेकिन पता चला कि भाई डंडा हिला हुआ है, गिल्ली नीचे गिरी हुई है और एक और बड़ा विकेट प्राप्त किया है कुंदन शर्मा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजा है परमजीत ने। बड़े मायूसी के साथ कुंदन शर्मा वापस पवेलियन जा रहे हैं, उम्मीद नहीं थी उन्हें। ऐसे में अब बल्लेबाजों को चाहिए कि थोड़ी रुक कर जमकर बल्लेबाजी करें। उनके शीर्ष चोटी के 5 बल्लेबाज पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। अच्छी फ्लाइट दी थी इस बार गेंद में परमजीत ने, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। एक रन और इसी बीच अंपायर अनिल गुप्ता का इशारा आता हुआ नो बॉल का यानी फ्री हिट। और फ्री हिट का अब तक जो 2 फ्री हिट मिले थे उस पर कोई फायदा उठा नहीं पाया गया कि बल्लेबाज। इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या तीसरी दफा फायदा उठा पाते हैं या नहीं। बिखरी हुई फील्ड, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन भी दिखाई पड़ रहा है जिसे डीप मिड विकेट बनाया गया। अभी
उछाला है और क्या शानदार तरीके से छक्का, बेहतरीन लाजवाब शॉट। पिच की गहराई का इस्तेमाल किया, अपने लिए रूम बनाई और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकाला एक शानदार दमदार छक्का। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। तो इस छक्के के बाद रनों की कुल संख्या पहुंच गई 69। पहला छक्का निकलता हुआ आज के मुकाबले का। पहले से कमिटेड हो गए थे बल्लेबाज, क्योंकि पिछली गेंद पर एक छक्का भी प्राप्त किया है उन्होंने, तो गया के दृष्टिकोण से ये ओवर बेहद ही महत्वपूर्ण घटा। हालांकि कुंदन शर्मा का एक विकेट इस ओवर में गिरा, लेकिन फ्री हिट पर जिस तरह से छक्का लगाया था अभी अभी बल्लेबाज ने, सुशांत सिंह के बल्ले से वो छक्का निकला था। सुशांत का मैं व्यक्तिगत स्कोर बताना चाहूँगा, अब तक कुल एक छक्का और 3 चौके लगा चुके हैं। सर्वाधिक गया की तरफ से अब तक सुशांत ने रन बनाए, 22 के निजी योग पर खेल रहे हैं, 27 के निजी योग पर खेल रहे हैं सुशांत, जबकि नए आए हुए बल्लेबाज रंजन यादव ने अपना खाता 1 रन से खोला है। बड़े ही ऑकवर्ड स्टाइल से गेंद फेंकते हैं और क्या शानदार थ्रो, विकेटों में गेंद लगी जाकर। अनुकूल राय का शानदार सटीक थ्रो, गिल्लियां उड़ती हुई, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। फुल टॉस बनाया तो जरूर था, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और एक बार फिर से गेंद विकेटों में लगी। सरफराज का थ्रो निश्चित तौर पर इन क्षेत्र रक्षकों ने अपने जमाने में कंचे अवश्य खेले होंगे। अच्छी गेंद, बेशक गेंद फाइन लेग की दिशा में जा रही हो, लेकिन एक ही रन मिलेगा। फील्ड प्लेसमेंट भी कमाल की अब तक रही है। जो बड़े क्रिकेटर होते हैं, जिनके पास अनुभव होते हैं, उनकी फील्ड प्लेसमेंट भी आपको समझ में आ जाएगी। अशफान खान के पास लंबा अनुभव, खुद शानदार क्रिकेटर हैं। और इसी के साथ लीजिए, यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। रंजन वापस पवेलियन आ रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते ही जा रहे हैं। 6ठा विकेट भी 71 रन के योग पर चला गया है और आउट होने वाले रंजन यादव रहे, तो विकेट गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 6ठे विकेट का पतन 71 पर, गया 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर को लिए 17वां डाला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। गेंद के आने का इंतजार किया और कवर्स एरिया में खेला गया शॉट। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, स्वीपर कवर पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और सिंगल के जरिए रनों की संख्या को पहुंचाया 76। एक और डॉट बॉल कट करने की कोशिश, आखिरी वक्त में बल्लेबाज ने अपना बल्ला अड़ाया था। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर अब बिल्कुल 76 रन 76 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स गए। तो
वाज दैट की अपील अंपायर मूव्ड वाचस्पति एक बार फिर से काफी नीचे गेंदें रहती हैं वाचस्पति की अक्सर मैंने देखा है और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए सिंगल लिया है दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन सामने से बल्लेबाज ने मना किया सीधी रहती गेंद अपने सामने खेला वाइड का इशारा आता हुआ गेंद टप्पा पड़ने के बाद कभी कभी सिंपल बहुत ही अच्छी गेंद और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं वाचस्पति और बल्लेबाज भी कब तक खुद को बांध कर रख पाएंगे क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि भाई जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा आपने देखा होगा आजकल आड़े तिरछे बल्ले से भी कई चौके छक्के निकल जाते हैं मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं पहले के ज़माने में ऐसा होता नहीं था तो बल्लेबाज ने अच्छा ट्राई किया लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं एक और रन अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी हो रही है समस्तीपुर के गेंदबाजों ने शुरू से ही अपना दम दिखाया और लगातार अंतराल पर उन्होंने विकेट्स निकाले हैं सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई इक्यासी छह विकेट के नुकसान पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज खड़ी खड़ी एक अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश हुई थी पिच में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है बल्लेबाज ने खेलना चाहते थे लेग साइड में गेंद आई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मिले हुए वक्त का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए रनों की कुल संख्या इसी के साथ गया 82 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर जबकि ओवर नंबर ये कुल 20वां फेंका जा रहा है इस ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 10 ओवर शेष बचेंगे रूम बनाइए और यहां पे कट किया है शानदार लाजवाब आदित्य विजन चौका निकलता हुआ ये लगा शानदार चौका This four is brought to you by Aditya Vision, संबंध भरोसे का चौके की मदद से 86 फिर से एक अच्छा शॉट और इतनी ही दमदार फील्डिंग क्या रन आउट होंगे जी नहीं एक थ्रो तो बहुत अच्छा आया था लेकिन गेंद हाथों में चिपकी नहीं इतनी तेज गेंद हाथों में चिपकती ही है आप गैदर नहीं कर पाते हैं हृदयानंद का शानदार थ्रो थोड़ी सी हवा में गेंद तैरी तो थी लेकिन क्षेत्र रक्षक दूर खड़े थे एक लंबा गैप है गली और कवर्स एरिया में जो हृदयानंद खड़े हैं उनके बीच लगभग 20 गज की दूरी लेकिन उस दूरी को पाटने के लिए एक्स्ट्रा कवर की जानिब स्वीपर कवर की दिशा में एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर गेंद फील्ड की गई तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए रन लेना चाहते हैं और ऐसे वक्त में अगर कोई विकेट रन आउट के रूप में जाता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा क्योंकि बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं खासकर सुशांत सिंह के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी और उन्हें हर हाल में छोटे छोटे साझेदारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाकर गया कि पारी कुछ सजेगी संभरेगी और इस ग्राउंड पर आपने देखा होगा कई मैचेस आप तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं मैं भी मेरा 7वां साल है इस ग्राउंड पे 225 रन भी बने हैं आपने देखा 190 रन भी बनते हैं तो यहाँ पे कम से कम एक फाइटिंग स्कोर देने के लिए गया की टीम को 140 रन सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना ही होगा और भी रहना है 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 87 6 विकेट के नुकसान पर वाचस्पति गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ एरिया में अच्छी फील्डिंग
अस्फान वहां पर मौजूद थे और जो चौका निकलता अपनी शानदार फील्डिंग से मात्र दो रन ही लेने दिया। अच्छा शॉट है, बहुत ही चालाकी से मानो सुई में धागा पिरोया शानदार चौका निकाला है। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का मस्ट नीडेड फोर। ऐसे वक्त में ये प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। छोटे छोटे प्रयास में आप अब भी अपनी पारी को वो मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पर परेशानियां खड़ी हो जाएं समस्तीपुर के बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंद और उतने ही अच्छे तरीके से बल्लेबाज ने संभाला इस गेंद को। सुशांत सिंह लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40 पर अपने कुल उनका व्यक्तिगत योग 40 पर पहुंचा है। मेरे बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। बहुत ही बेहतरीन कट, लाजवाब शॉट, जानबूझकर खेला गया ये शॉट। एक और चौका निकलता हुआ जो सुबह के वक्त में आंखें तरस गई थी सुपौल के दर्शकों की, उसका एहसास खाने के वक्त के समय दिला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। वाचस्पति बाएं हाथ से बैक टू द बॉलर खेला है, अच्छी वापसी वाचस्पति की। चवालीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत सिंह। बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गया कि नैया डूब रही है। सुशांत सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। वाचस्पति की गेंद, गेंद के आने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत सुशांत सिंह में मैंने देखी है धैर्य इनके पास और अक्सर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके रन इन्होंने जुटाए हैं। एक और ओवर संपन्न, तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 21 रनों की संख्या, गया 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत सिंह, जबकि सिंग्योल सिंह खेल रहे हैं अपने कुल 7 के निजी योग पर। पहला विकेट 16 पर गया था, दूसरा 25, तीसरा 34, चौथा 57, पांचवा 61, छठा 71 और तब से लेकर अब तक एक अच्छी साझेदारी हुई है। 26 रनों की साझेदारी सिंगवाल और सुशांत सिंह के बीच। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अनुकूल राय को। अच्छी गेंद, गेंदों को नचाते हैं, उंगलियां फेरते हैं। कई लोग कलाई के जादूगर, कई उंगलियों के और कई फ्लिपर के मास्टर होते हैं। प्रवीण तांबे को देखा होगा अपने, फ्लिपर मास्टर। और ये देखिए थोड़ा सा परिवर्तन, मीडियम पेसर की तरह आए और इन्होंने गेंद की थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ। बड़े स्तर के अनुभव जब आपके पास आ जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी चरम पे रहता है। फिर से देखिए किस तरह से बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं अनुकूल राय। और इस बार परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी गेंद को बल्लेबाज के बॉडी की तरफ, बॉडी अटैक रखा। हालांकि बॉडी अटैक तेज गेंदबाज ज्यादा करते हैं। वेरिएशन है अनुकूल के गेंदों में, ध्यान से देखें आप। पूरी तरह से बांध के रखा है और बल्लेबाज ने भी ठान लिया है कि मुझे अपने विकेट नहीं देने हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ओ, मिला मौका, जड़ा चौका, भाई क्या बात है। बल्लेबाज किसी चीज की तैयारी कर रहे थे कि कोई तो कोई खराब गेंद तो जरूर आएगी। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल लगातार शुरू से ही कर रहे हैं बल्लेबाज और एक शानदार चौका जड़ा। और इसी के साथ
जोरदार तालियां बजाइए, 100 रन पूरे हो गए गया टीम के। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट फाइन लेग, लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर सरफराज, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जो सरफराज ये असफान थे उन्हें मिड ऑन में बुला लिया गेंदबाज वाचस्पति ने। शशि माफ करेंगे, बैक टू द बॉलर, और क्या शानदार फील्ड प्लेसमेंट, और यहां पर गेंद विकेटों में लगती तो खतरा दिखाई पड़ रहा था। और यहां पर क्या रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी दफा ऐसा आपने दर्शकों देखा कि गेंद गिल्लियां गिरा चुकी लेकिन बल्लेबाज नॉट आउट रहे, तो क्या इस दमदार फील्डिंग के लिए एक बार जोरदार तालियां नहीं देंगे आप? जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां आज वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दमदार तालियों के लिए। अच्छी गेंद और अच्छे तरीके से संभाला भी बल्लेबाज सिंघवाल ने, और स्ट्राइकिंग गेंद पर अब आए हैं, एक और रन लेने के लिए दौड़ लगाएंगे। क्या ये विकेटों में गेंद जाएगी? जी नहीं, इस बार निशाना थोड़ा चूकता हो। पहले तो एक रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप पर आई नीची रही तो अपना इरादा बदल दिया बल्लेबाज सुशांत ने, 49 पर गए। वेल लेफ्ट अनुकूल राय, काफी आगे बढ़ाए थे और आखिरी वक्त में बल्ले के बाहर हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में, एक अच्छा कैच लपका और इसी के साथ सातवें विकेट का पतन होता हुआ। सिग्योन ने आउट होने से पहले कुल कितनी गेंदें खेली, कितने रन बनाए, अभी मैं डाटा आपको बताने वाला हूं। तो नए बल्लेबाज गौरव शर्मा हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, तेज तर्रार गेंदबाज, और बल्लेबाजी भी धारदार करते हैं। बल्ले को हवा में किया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद को, क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद बल्ले पर आई नहीं, और अब जी नहीं, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पर गेंदबाज और बल्लेबाज की आपस में कुछ बातचीत होने लगी थी, बीच में ही बल्लेबाज ने कहा मुझे जाने दीजिए, दिल्ली जाना है, लेकिन गेंदबाज ने कहा रिजर्वेशन तो करवा लीजिए। 48 पर सुशांत सामना करेंगे गेंदबाज आकीब का, पांचवा ओवर आकीब अपना लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सधी हुई बल्लेबाजी, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं, गेंद के आने का इंतजार करते हैं और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हैं सुशांत। बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए सुशांत, और टीम गया का आठवां विकेट गिरा सुशांत, जो अपने दम खम पर गया की टीम को आगे ले जा रहे थे। शाबाशियां दे रहे हैं अश्वान सुशांत को कि आपने अच्छी पारी खेली, आपने दर्शकों के दिल जीते, कुछ देर और रहते तो मजा आता। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि सुशांत के शानदार खेल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
महको इस कदर के बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि खिलाड़ियों को जोश आ जाए। दमखम पर गया की पारी को सजाया संवारा, थोड़े से खुद मायूस हुए, टीम को भी मायूस किया, दर्शकों को भी मायूस किया और अभी अभी वापस पेविलियन लौटे। लेकिन वापस पेविलियन आने से पहले सुशांत ने कुल 48 दमदार शानदार रन अपनी टीम के खाते में जोड़े हैं। और यहां पर गलत गेंद पूरी तरह से बल्ले पर लिया और डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया चौके के लिए, शानदार चौका निकलता हुआ। एक 54 गेंदों में 49 रन। शानदार कट लेकिन गली में शतरक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और लीजिए एक और ओवर संपन्न होता हुआ, कुल 25 ओवर की समाप्ति हुई है और 25 ओवर की समाप्ति के पश्चात गया टीम कुल 112 रन 8 विकेट के नुकसान पर अनुकूल रहे। अच्छी गेंद और हल्के हाथों से जब भी आप गेंद को खेलेंगे तो एक रन की गुंजाइश बनती है, वो एक रन लिया गया यहाँ पर। एक एक रन महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट के खेल में, चाहे आप 100 रन से जीते या 100 एक रन से जीत जीत होती है। और ऐसे में रोटेशन अगर बल्लेबाज कर रहे हैं तो ये बड़ी बात। गौरव के लिए गेंद, गौरव फ्रंट फुट पर आए थे, दबाना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद ने कांटा बदला है, गेंद की लाइन से खुद को अलग किया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों भी। छब्बीसवां ओवर चल रहा है और यहां पर दौड़ लगा चुके हैं निकू, रन लेना चाहते हैं लेकिन गौरव ने कहा जी नहीं, अगर आप साथ छोड़ देंगे तो फिर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में आ जाएगी, काफी गेंदें बची हुई हैं अभी। काफी ज्यादा बाहर अंपायर अनिल गुप्ता का इशारा आता हुआ वाइट का और इस अतिरिक्त रन के जरिए टीम गया का कुल योग 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 26वां ओवर फेंका जा रहा है अनुकूल राय के जरिए सामने वाले एंड की तरफ से, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में नाकामयाबी, हाथ लगी गौरव के। और दर्शकों को देखिए, चारों तरफ दर्शक आज बुलंद हौसले के साथ काफी संख्या में उपस्थित हैं। बहुत अच्छा शॉट जी, बिल्कुल जो शॉट आप खेलते नहीं, जिस पर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो, वैसे शॉट लगाने के बाद आपके आउट होने की संभावना रहती है लेकिन सीधे बल्ले से खेलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। तो अनुकूल राय ने अपने स्पेल संपन्न कर लिए हैं, उनके बॉलिंग विश्लेषण को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों मैं बता दूं, शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन लिए और इस एक रन की मदद से रनों की कुल संख्या चली गई 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर गया। ओवर नंबर कुल ये 27वां डाला जा रहा है, यानी इस ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें और शेष बचेंगी। पूरी तरह से छकाया, यॉर्क हो गए बल्लेबाज, खींच के मारा और पहली दफा यहां कमेंट्री बॉक्स के नीचे कोई शॉट लगा लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए गया टीम की रन संख्या चली गई है 117 रन। लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन जैसे देखा कि गेंद की लाइन तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, गौरव शर्मा ने अपने इरादे बदले और हल्के हाथों से बॉल को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलते हुए एक रन लिया 118। 8 विकेट का पतन हुआ है अब तक। परमजीत का
ज़्यादा वक्त देते नहीं, लाइन लेंथ बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं। और देखिए ये ओवर भी तेज़ी से परमजीत का संपन्न हुआ। इस ओवर में मात्र 4 रन ही डाले, स्लॉक्स के ओवर चल रहे हैं और इसी मौके पर मात्र 4 रन खर्च करना आपकी उपयोगिता को दर्शाता है। बेशक चौके नहीं निकल रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हो रही है सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि ये नंबर 10 और 9 बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसके बाद 11वें नंबर बल्लेबाज की बारी आएगी और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी अगर होती है तो वो बेहतर है। तो जो आकिब कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, फार अवे की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबी गेंदें कर रहे हैं, हाफ वॉली कि गेंदों को भी मारना बड़ा कठिन हो जाता है जब उसमें थोड़ी सी टेक्निक हो, थोड़ा सी मूवमेंट या कटर गेंदें आप डालते हो तो उन गेंदों को संभालना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, देखना बड़ा ही साधारण लेकिन खेलना बड़ा मुश्किल काम। आकिब और यहां पढ़ लीजिए, ये इतनी तेज रफ्तार से निकली कि दिखाई भी नहीं पड़ी गेंद कब बाउंड्री लाइन के पार चली गई। शानदार चौका, ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। दोस्तों इस मुकाबले को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पीएन शेखर के नाम से, कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से मेरा चैनल। अच्छा शॉट है और यहां पर दर्शक बने रह जाएंगे, क्षेत्ररक्षक और इशारा आता हुआ छक्के का, काफी देर के बाद एक और छक्का लगता हुआ, मैच का ये मात्र कुल दूसरा छक्का निकला है, रनों की कुल संख्या चली गई, एक चौका निकला एक छक्का निकला, 131। तो अब 154 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो बल्लेबाज समस्तीपुर से निशांत और अंशुल आर्यन आए हैं। निशांत सामना करेंगे गौरव शर्मा की गेंद का। पहली गेंद में कंधे का इस्तेमाल किया था गौरव शर्मा ने, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं निशांत और बैकवर्ड पॉइंट में खड़े क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फील्ड किया। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां चल रही हैं, जो फाइन लेग था उसे थोड़ा सा और भी वाइडिश किया गया और बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में वो क्षेत्ररक्षक अब चले आए हैं। प्रथम पावर प्ले का अगर फायदा उठाना है तो इसी तरह से उठाएं आप, क्योंकि जो 30 यार्ड सर्किल का घेरा होता है उसका फायदा उठाने के लिए बल्लेबाज ऐसे ही शॉट्स लगाते हैं। खाता खुलता हुआ समस्तीपुर 4, प्रथम ओवर फेंका जा रहा है, बाएं हाथ के निशांत ने खाता खोला अपनी टीम का, अपना 4 रन बिना किसी नुकसान के। काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर अनिल गुप्ता का, मफलर भी है। 5 रन फुल लेंथ गेंद, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, मिड ऑफ में कुंदन शर्मा ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। प्रथम ओवर फेंका जा रहा है गया की तरफ से, 154 रन बनाने होंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो बल्लेबाज मैदान में मौजूद, निशांत और अंशुल आर्यन।
और यहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गेंद आई विकेट कीपर के ठीक पीछे, चार रनों का इशारा अंपायर अनिल गुप्ता का आता हुआ। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। तो दो चौके गौरव शर्मा के ओवर के दरमियान आ गए। कुल 9 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है गया की तरफ से गौरव शर्मा। राइट आर्म राउंड द विकेट और क्या शानदार शॉट जमाया है भाई। किसी भी इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम में ये छक्का होता, सीधे बल्ले से शॉट्स अगर इस तरह के दिखाई पड़ते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। सोचा समझा जांचा परखा अपने सामने दबाया गेंद को, ओवर संपन्न होता हुआ गौरव शर्मा का बेहद खर्चीले साबित हुए। पहले ओवर में 15 रन दिए उन्होंने, दो चौका एक छक्का निकला था निशांत के बल्ले से। कुल रनों की संख्या 15 बगैर किसी नुकसान के समस्तीपुर। 154 रन बनाने हैं 30 ओवर्स में। ने इस ग्राउंड पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया और ख़ासकर कमेंट्री बॉक्स एंड से ही अधिकतर ये शुरुआत करते हैं जब भी मैंने इन्हें देखा है, और आज भी 30 यार्ड सर्किल का जो घेरा होता है वहाँ उन्होंने अपना बॉलिंग मार्क्स डाला है, यानी कि 20 गज का रनअप उनका। और उनके सामने पहली दफ़ा बल्लेबाजी में अंशुल आर्यन होंगे, एक बल्लेबाज बाएं हाथ का तो दूसरा दाएं हाथ का। एक स्लिप अपनी गेंदबाजी पर लगाया है निकू ने। थाइस से टकराती हुई गेंद आई विकेट कीपर के दास्तानों में, हल्की सी आह भरी सारे खिलाड़ियों ने। लेकिन कहीं ना कहीं से सारे खिलाड़ी ये भी जान रहे थे कि ये गेंद बल्ले को चूमी नहीं है। फील्ड की पोजीशन को अगर ध्यान से देखें तो एक स्लिप, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग, और बाहर के दो खिलाड़ियों को मैं देखना चाहूँगा कहाँ हैं। एक डीप फाइन लेग और एक थर्ड मैन। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनय झा का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए टीम की रन संख्या पहुंची 16, 16 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। क्योंकि गौरव शर्मा के ओवर में धनादन दो चौके एक छक्का जड़ा था निशांत ने। अच्छी उछाल प्राप्त की थी, कंधे का इस्तेमाल किया था निकू ने। बल्लेबाज अंशुल गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से गेंद को धकेला थर्ड मैन की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती है दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने सिरे बदल लिए। और देखिए ये सभी दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूं, और YouTube चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सुपौल का प्रतिष्ठा पड़क और कोशी प्रमंडल का गौरव आमंत्रण कप आप देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में पिछले 4 दशक से क्रिकेट पनपा है, फला फूला है, और कई बेहतरीन क्रिकेटर्स ने यहाँ अपने खेल के जलवे दिखाए, और बाद में वो बिहार रणजी, विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेलेक्ट किए गए। ये बड़ी बात है।
बहुत ही सुंदर शॉट है ये। बल्ले से जो आवाज आई थी वो ये बता के गई कि भाई गेंद अब बाउंड्री लाइन के बाहर ही रुकने वाली है। एक शानदार चौका निकलता हुआ फिर से निशांत के बल्ले से, कुल रनों की संख्या 21, जबकि निशांत पहुंचे अपने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 के निजी योग पर। 21 में 18 रन निशांत के बल्ले से निकले हैं, 1 अंशुल और 2 अतिरिक्त के रूप में रन शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाला है और निशांत के बल्ले से एक और शानदार आदित्य विजन छक्का निकलता हुआ। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन। हो गया, ये बोल दिए हो गया, आप कितना बोलेंगे, पैकेट में जाएगा। तो अब तक जो बल्लेबाजी हुई है खासकर बिल्कुल उलट खेल दिखाया है निशांत ने, जहां रनों के लिए तरस रहे थे गया के क्रिकेटर, गया के बल्लेबाज, और उनके विकेट लगातार 16, 25, 34, 34 पर 3 विकेट चला गया था और आधी टीम 61 पर पवेलियन लौट गई थी। यहां पर दमदार शुरुआत की है निशांत ने, मात्र 2 ओवर के खेल में कुल रनों की संख्या नजर आ रही है 27। और जबकि जिस वक्त गया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी उनका स्कोर था मात्र 6 रन। एक बड़ा अंतर नजर आता हुआ। फिर से फारवे एंड की तरफ से गौरव शर्मा है ना, इस बार गेंद थोड़ी नीचे रह गई थी। फिर से नीचे रहते हुए गेंद शरीर के करीब आने दिया बल्लेबाज अंशुल ने। और देखिए जहां पे बल्ले से रन अंशुल आर्य के नहीं आ रहे थे, ये खाते में तो उन्हीं के चले जाएंगे। तो 4 रन और जोड़ लीजिए खाते में समस्तीपुर के। कुल रनों की संख्या इस चौके की मदद से चली गई 31। रे लड़का, गौरव शर्मा सीधे रहते हुए गेंद के पीछे आए, अपने सामने धकेला। फिर से लंबी गेंद, ये बहुत ही तेज गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई और इस बेहतरीन गेंद के साथ अपना ओवर संपन्न कराया गौरव शर्मा ने। तो कुल 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की संख्या है 31 विदाउट लॉस, 31 रन बगैर किसी नुकसान के समस्तीपुर की। गेंद अगर मुझसे छूटी तो भाई पीछे पीछे बचाने वाला कोई है नहीं। और ऐसे भी अगर पावर्स प्ले की बातें करें तो इसमें ज़्यादा मौके होते हैं बल्लेबाज के लिए, मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं और ऐसे में कोई दमदार बल्लेबाज अगर आ जाए, जिस तरह से निशांत बल्लेबाजी कर रहे हैं, और किसी की कदकाठी को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो चौके छक्के नहीं लगा सकता। निशांत को देखिए, साधारण सी कदकाठी,
पहले तो मन बनाया था कि गेंद की लंबाई का इस्तेमाल करके एक लंबा शॉट क्रॉस बैटेड मूड बन चुका था इनका लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन जैसे देखा कि नहीं गेंद में रफ्तार थोड़ी सी कमी है और मैं गेंद की लाइन पर नहीं हूं, हल्के हाथों से खेला और जब तक वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता एक रन लिया, अपना स्कोर पहुंचाया है निशांत ने यहां पर कुल 33 रन टीम का कुल योग। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया, विकेट के करीब से आए थे निकू सिंह और बिल्कुल उनका जो हाथ गया था बिल्कुल अपने कंधे को कान के बगल से हाथों से डिलीवरी की, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। बिहार ने लड़ते हुए वो मुकाबला गंवाया था अपना बड़ा ही शानदार मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और यहाँ पर जितने सारे खिलाड़ी आप देख रहे हैं वो विजय हजारे, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, यहाँ तक कि अंडर 19 इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके अनुकूल राय भी आपके आज ग्राउंड में खेल रहे हैं, और ऐसे में आयोजन कप समिति को हृदय से धन्यवाद कि आपके आयोजन में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, ये आपका अच्छा मैनेजमेंट है, आपकी अच्छी हॉस्पिटलिटी। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार, बैकफुट पर गए, गेंद के आने का इंतजार किया, पूरी तरीके से बल्ले के जो स्वीट स्पॉट होता है वहां पर लिए, कवर से एरिया में धकेला, बेशक रन नहीं बने लेकिन मजा आ गया शॉट देखकर। इस बार थोड़ा सा अपना नियंत्रण खोया खुद पर से, थोड़ी सी एकाग्रता भंग हुई, शफल किया था खुद को बैकफुट पर, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, शॉर्ट आर्म पुल करने के लिए भी गए, अगर बल्ले पर कहीं से आती तो एक लंबा छक्का पीछे देखने को मिलता, इतने मोटे मोटे ब्लेड वाले आ गए हैं बल्ले, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। जो भी हो, इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिल खुश कर दिया, यहाँ के दर्शकों का दिल जीता है। और ये बदलाव पहली दफा गया की तरफ से गेंदबाजी में, अब तक गेंदबाजी कर रहे थे गौरव, निक्कू और पहली दफा राजू पांडे पांचवा ओवर लेकर आए हैं फारवे एंड की तरफ से, दो बड़े अंपायर विनय झा और अनिल गुप्ता, बड़े बड़े मैचों में अंपायरिंग कराने का अनुभव, और आप देख रहे हैं आमंत्रण कप में गया बना समस्तीपुर का मुकाबला, फ्लैटेड बॉल, कंधे भी घुमाते हैं और थोड़ी सी कलाई भी मुड़ती है राजू पांडे की, जबकि अनुकूल राय को आपने देखा कि उंगलियों के वो जादूगर हैं। अक्सर कोशिशें होती हैं स्पिनर्स की कि ललचाती गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाएं, चौके छक्के लगाने को आमंत्रित करें, लेकिन आजकल का जो क्रिकेट है वो काफ़ी बदला नज़र आने लगा है, कई नए शॉट्स ईजाद कर लिए गए हैं 360। आमंत्रण कप की शुरुआत हो चुकी है, लगातार 11 दिन आप देखेंगे बिहार झारखंड बंगाल और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के तमाम क्रिकेटर्स के जलवे, और ये आपके लिए लेकर आए हैं आमंत्रण कप परिवार, देखते हैं क्या होता है। पहली बॉल, लेकिन शतरक्षक मौजूद, पहली गेंद जो डाली थी, जो शॉट लगाया था फाइन लेग में, एक घेरे के अंदर ऊपर बुला लिया था, उसके बाद जब देखा कि सहजता के से साथ इन गेंदों को खेल रहे हैं निशांत, तो उन्होंने अपना लाइन चेंज कर दिया राजू पांडे ने,
अब देखिए बिल्कुल ऑफ और लेग की तरफ, ऑफ और मिडल की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा ओवर संपन्न हुआ है राजू पांडे का, और इस ओवर में राजू पांडे ने पूरी तरह से बांध कर रखा, मात्र एक रन खर्च किए, 35 रन पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात समस्तीपुर का कुल योग जीतने के लिए 154 रन बनाने हैं 30 ओवर्स में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कही जाती है अगर आप सीधे बल्ले से शॉट खेलते हैं, और ऐसा हो भी क्यों नहीं क्योंकि किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आपको आपके विकेट भी नहीं गिरे हैं और आपने रन भी अच्छे इकट्ठे कर लिए हैं, और सामने जो लक्ष्य है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तमाम चीज़ों को दिमाग में रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। बिल्कुल सही किया, ज़्यादा देर तक अगर आप गेंदों को डेड करते हैं तो ऐसे में फिर पगबाधा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। रोटेशन बी मस्ट, और रोटेशन करने से फिर गेंदबाज की परेशानियां भी तो बढ़ती हैं, एक नया बल्लेबाज सामने आता है उसके लिए फिर अलग रणनीति से गेंदबाजी करनी होती है, और एक दायां बायां जब संयोजन हो तो भाई थोड़े परेशानी में अंपायर्स भी घिरते हैं और क्षेत्ररक्षकों को भी थोड़ा सा प्लेसमेंट चेंज करना पड़ता है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आ गए हैं सामने निशांत, एक ही नाम राशि के निकुंज, निकू और निशांत। अच्छा शॉट है, और देखिए यहां पर बेहतरीन शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन की ऊपर से उछाल दिया, शानदार छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। तो इस छक्के के साथ समस्तीपुर की टीम का कुल टोटल योग चला गया है 42, बातों ही बातों में 42 रन बन गए, जबकि जब पांचवा ओवर संपन्न हुआ था गया टीम का तो उनका योग था 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ की तरफ उछाल दिया, एक शानदार चौका निकलता हुआ, ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। और चौके के साथ तेजी से उछलता कूदता फांता स्कोर चला गया है समस्तीपुर का 46 रन, और इन 46 रनों में अकेले 35 रन निशांत के बल्ले से निकले हैं, दमदार पारी। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने खेला, एक और ओवर संपन्न, तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 6, और 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 46 रन बगैर किसी नुकसान के समस्तीपुर। छठा ओवर जब संपन्न हुआ था गया की पारी का तो उनका योग था कुल 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। राजू पांडे एक बार फिर से अपने टीम को पहली सफलता दिलाने के प्रयास में थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं राजू पांडे। फ्लाइटेड बॉल, उछालना चाहते थे गेंद को, लेकिन पूरे तरीके से गेंद उछालने के लिए टाइमिंग की आवश्यकता होती है, वो टाइमिंग प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज अंशुल आर्यन। और फिर से ये हल्की उछाली गेंद, मौका मिला है एक रन लेने का, और जब तक गेंद एक स्ट्राइकआउट की दिशा में फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, और इस सिंगल के जरिए समस्तीपुर टीम का कुल योग चला गया है। आपके लिए दिया गया, आपको दिया गया 47,
47 रन 50 के करीब पहुंचता हुआ योग, और जैसे ही 50 के करीब टीम पहुंचेगी, एक तिहाई वो रास्ता तय कर लेगी, जबकि विकेट भी कोई गिरे नहीं है समस्तीपुर के। फ्लाइटेड बॉल और यहां पर शायद अगर बल्ले से गेंद आई थी तो अवश्य एक माना जा सकता है कि कैच छूटा है, हालांकि मैं एक ब्लाइंड पोजीशन पर था। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे चौके लगाएं, छक्के लगाएं या गेंदों को डेड करें निशान, सारे शॉट्स देखने में इनके अच्छे लग रहे हैं आज। हमारे चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर कल 6 बजे इस मुकाबले को आप देखेंगे, 2 घंटे की क्लिप बनेगी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से है। तो एक और रन, तो जहां चौके छक्के आते हैं और बीच बीच में सिंगल आते हैं तो वो पारी बहुत सुंदर सजती हुई नजर आती है, और किसी कड़ी को बांधने के लिए एक ज्वाइंट मारा जाता है वहां पे, तो वो सिंगल ज्वाइंट का काम करता है। प्रवीण यादव निशांत के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, नीचे रहती हुई गेंद, और खेलने के लिए इनकी गेंद को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे निशांत, बैकलिफ्ट लो रखा था इन्होंने। फुल लेंथ बॉल, और देखिए यहां पे थोड़ा सा आपा खोया अपना, थोड़ा सा धैर्य खोया, थोड़ा सा संयम गवाया, अक्रॉस द लाइन फुल लेंथ की गेंद पर अक्रॉस द लाइन चले आए थे निशांत। और कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी घातक होता है, खुद के लिए और टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर वापस लौट रहे हैं निशांत। लेकिन मैं चाहता हूं दर्शकों से निशांत के शानदार खेल के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। क्या लाजवाब खेल दिखाया है निशांत ने, इतने बड़े बड़े नाम के बीच इन्होंने अपना झंडा, अपना परचम लहराया है, बुलंद किया है। निशांत तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। कर्नाटका प्रीमियर लीग में बेंगलोर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और किसी एक टीम की तरफ से हाईली डिमांडेड प्लेयर हैं ये। तो दर्शकों में थोड़ा सा एक उत्साह दौड़ता हुआ, उनकी उम्मीदें बलवती होती हुई सरफराज को देखते ही। फिर से कदम बाहर निकाले थे सरफराज ने, थोड़े से आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं सरफराज, और जो शतक जमाया था 2019 में वो भी काफी कम गेंदों का सामना किया था इन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को खींचकर मारा है, और जब तक गेंद फील्ड की जाती एक रन। बाहर, काफी बाहर अंपायर अनिल गुप्ता ने दोनों हाथों को फैलाकर कहा आपकी गेंद वाइड है। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों की संख्या 52 रन, 9 ओवर शुरू होता हुआ, पिछले कुछ ओवर से रन बनाने की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है बेशक, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के मुकाबले में यह कमी तुरंत पाट दी जाती है। एक स्लिप भी लगाया है गेंदबाज संगवाल ने। खवाज देट की अपील,
देखिए चारों तरफ मैदान में अपने YouTube दर्शकों के लिए दिखा रहा हूँ, ये बिहार का प्रतिष्ठापरक टूर्नामेंट ही नहीं, ये महान आयोजन और एक महोत्सव है जो 11 दिनों तक इस बार चलने वाला है। आमंत्रण कब और क्रिकेट का माहौल यहाँ चार दशक से बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह श्री नीरज किशोर प्रसाद जैसे लोग, श्री सुनील गुप्ता, राघवेंद्र झा DCA प्रेसिडेंट, श्री विनय भूषण सिंह अधिवक्ता, और साथ ही साथ श्री अमित मोहन का और उनके साथ जितने भी पदेन अधिकारी हैं उनकी वजह से। और शॉर्ट आर्म पुल किया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक रन। बैक टू द बॉलर, अब 100 रन नहीं चाहिए, अब दो डिजिट में रन चाहिए, 99। जो दबाव होता है तीन डिजिट का वो हटता हुआ, और इसी के साथ एक और ओवर सम, और इसी के साथ गेंद बहुत नीचे रह गई थी हवाज डेट की अपील की, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल गेंद लेग स्टंप को छकाती हुई जा रही। अच्छा शॉट, लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ेगा। पॉइंट की जानिब खेला गया शॉट था, तो काफी देर से सिंगल्स के जरिए ही रन बन रहे हैं और दर्शकों में थोड़ी सी बेचैनी, क्योंकि सरफराज बल्लेबाजी करने आए हैं, इनकी बल्लेबाजी को यहां के दर्शक देख चुके हैं, आनंद ले चुके हैं, लेकिन मौके के हिसाब से सरफराज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात। दो मजबूत टीमें सूबे की, गया और समस्तीपुर का मुकाबला देख रहे हैं आप। सिंगल हल्के हाथों से खेला है और एक रन, तो दाया बाया बल्लेबाज का संयोजन है, और ऐसे में अंपायर्स अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हुए अनिल गुप्ता और विनय झा कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सरफराज के लिए गेंदबाजी करेंगे। टॉम और यहां पर एक लाजवाब शॉट, डीप विकेट की दिशा में उछाला है, शानदार छक्का, और दर्शकों के कौतूहल को अब तक परख रहे थे और दर्शक भी देख रहे थे कि कब सरफराज का बल्ला बोलता है, गरजता है। शानदार शतक लगाया था 2019 में। सिग्वाल और एक बार फिर से ये शॉट, क्या रोक पाएंगे, जी नहीं, एक और चौका निकलता हुआ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक दमदार शॉट। तो जो रन रुक गए थे, सिंगल ला रहे थे सिर्फ, लेकिन कब तक आप रोकेंगे सरफराज को, दो गेंदों में 10 रन और आ गए, कुल रनों की संख्या चली गई है 67 67। अच्छी खबर ले रहे हैं गेंदबाज की सरफराज। सिग्वाल की गेंद और यहां पर क्या लाजवाब मोड़ा है, डी फाइनल के ऊपर से उछाल दिया, शानदार छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। तो काफी देर से दर्शक दम साध कर देख रहे थे कि आखिर चौके छक्के कब बनते हैं, और इस ओवर में कुल 18 रन सिंगवाल के बन गए, कुल रनों की संख्या इस छक्के की मदद से 73। थोड़ी देर गेंद हवा में लहराए थे, क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, रनों की संख्या को पहुंचाया कुल 74। नहीं देगा।
और एक बार फिर से सरफराज आ गए हैं गेंदबाज गौतम यादव के सामने। तो छठे गेंदबाज के रूप में गौतम यादव को लगाया गया है। सरफराज बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज सामना करेंगे गौतम यादव की गेंद का। अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से खुद मना किया। पहले दौड़े थे दो कदम और जैसे देखा कि क्षेत्र रक्षक काफी चुस्त हैं, चौकस चपल चतुर हैं, वहां पर बढ़ते कदमों को खींचा वापस क्रीज के अंदर। तो यह आमंत्रण कप समस्तीपुर और गया का रोमांचक मुकाबला देख रहे हैं आप। गौतम यादव की गेंद आगे निकले, उछाला है और गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। आधे रन बन गए और लीजिए ये 78वां रन भी बना, यानी कि अब आधे रन से भी कम रनों की आवश्यकता। ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर मारा है कुंदन शर्मा, वहां पर मौजूद आज निराश हुए कुंदन शर्मा, बल्लेबाजी में कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए। हालांकि एक ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं, अभी तक गेंदबाजी उन्हें सौंपी नहीं गई है और गोल्डन आर्म में उनके पास भी है, कभी कभी ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं वे। ये देखिए और देखिए यहां पर पूरे तरीके से जो सामने से कमेंट्री होती है, 3 के 3 स्टंप साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। पिछले पांव पे खड़े होकर क्रिज की गहराई का इस्तेमाल करके एक अपरकट लगाने की कोशिश नाकामयाब। और काफी देर के बाद 2-3 गेंदों में आंख मिचौली चली और एक सिंगल निकला, उसे भी दूर किया गया है। अच्छा शॉट लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, क्षेत्र रक्षक मौजूद। जहां तक टोटल रनों का प्रश्न, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुल रन है 1 विकेट के नुकसान पर 81, जबकि ओवर नंबर 12वां फेंका जा रहा है। और जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो सरफराज ने अब तक 1 छक्का और 3 चौके लगाए हैं, उनका व्यक्तिगत स्कोर भी मैं बताऊंगा। हवा में गेंद और क्या लाजवाब कैच पकड़ा है यहां पर क्षेत्र रक्षक ने, अपनी बाई तरफ थोड़ा सा अपनी जगह से उछाल भरते हुए कैच को हाथों में लिया। और काफी देर से कोशिशें कर रहे थे सरफराज कि कुछ शॉट्स दिखाएं, कुछ जलवे दिखाएं, लेकिन वापस पेवेलियन। नए बल्लेबाज के रूप में हृदय आनंद, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर के रूप में हृदय आनंद जाने जाते हैं। इस ग्राउंड पर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन परसरमा के कोहली मैदान पर इनकी कई पारियां मुझे याद हैं, रोशन जी कई पारियां याद हैं। 75 रन 4 विकेट, 50 रन 3 विकेट, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अच्छी फील्डिंग फाइन लेग की दिशा में। और उसके बाद काफी देर से कोशिशें कर रहे हैं सरफराज, काफी पूर्व लगभग 2-3 ओवर पूर्व उन्होंने 2-3 चौके और छक्का लगाया था, उसके बाद थोड़े से मध्यम पड़ गए हैं। जी ये सही खेल है, सिंगल रोटेशन और मिले हुए मौके का फायदा। और देखिए कितने अनुभवी हैं
दोनों खिलाड़ी जहां पे सिंगल था वहां पे डबल बनाया, क्योंकि जान रहे हैं कि दबाव को हटाने के लिए सिंगल और डबल लेने पड़ेंगे, चौका छक्का आए ना आए, और धीरे धीरे ये आंकड़ा 100 के पार ले जाना होगा। तो दो रन अभी मिले, रनों की कुल संख्या चली गई समस्तीपुर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन जीतने के लिए 154 रनों की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी, जांचा परखा और विकेट कीपर के दास्तान में जाने दिया अनुकूल ने। दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुकूल राय, जबकि सरफराज का कुल व्यक्तिगत स्कोर 28। प्रवीण बैक टू द बॉलर, फुल लेंथ गेंद, हल्के हाथों से खेलते हुए एक रन लिया है और झन्नाटेदार शॉट निकला है 4 रनों के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। तो इस चौके की मदद से रनों की कुल संख्या क्या देखते अभी, और यहां फ्री हिट का बहुत ज्यादा फायदा उठाया और एक लाजवाब छक्का सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ। यानी कि 15वां ओवर शुरू हो रहा है और 15वें ओवर को लेकर आए हैं फारवे एंड की तरफ से। माफ करेंगे, सुशांत गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, पहले गेंद में तो जलवा दिखा है, लेकिन क्या इस सिलसिले को बरकरार रख पाएंगे सुशांत, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी आज सुशांत ने, गेंदबाजी में भी दम दिखा रहे हैं। वाह, पिछली दोनों गेंदें शानदार तरीके से, एक मिडल और लेग की तरफ और दूसरी बाहर की तरफ कटाया अनुकूल को छकाते हुए, कड़ी परीक्षा लेते हुए अनुकूल की। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, आखिरी वक्त में बल्ले को नीचे लाया अनुकूल राय ने और कवर सीरिया में खेल दिया बगैर किसी रन के। 97 रन, 15वां ओवर और फिर से चकमे में डाला अनुकूल को। इस ओवर में पूरी तरह से बल्लेबाज की परीक्षा ले रहे हैं, कड़ी परीक्षा ले रहे हैं सुशांत। अनुकूल ने अच्छी गेंदबाजी की, सुशांत ने अच्छी बल्लेबाजी की, और अब सुशांत गेंदबाजी में दमखम आजमा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद चली गई है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को, और इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या 98 98। 15वां ओवर और इस ओवर के बाद फील्डिंग से इंटरवल का वक्त होगा। कट किया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, एक रन के लिए दौड़ लगाया है, दूसरा रन लिया और इसी के साथ कुल रनों की संख्या हो गई है 100। 15वां ओवर संपन्न, समस्तीपुर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन, और इसी के साथ वक्त होता है ड्रिंक्स इंटरवल का। दिस ड्रिंक्स इंटरवल इज ब्रॉट यू बाय Rama and Sons deals in cold drinks and mineral water. Authorized dealer Amul. Address near Gauravgarh Chowk, ward number 4. ये बड़ा अच्छा सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं सुपौल के गांधी मैदान में ड्रिंक्स इंटरवल का, और चारों तरफ दर्शक इस मैदान की खूबसूरती को बढ़ाते हुए।
ये शानदार शॉट, बेहतरीन लाजवाब चौका निकलता हुआ। अनुकूल राय के बल्ले से एक शानदार लाजवाब जन्नाटेदार चौका निकलता हुआ। एक सिंगल, 105 रन, 3 विकेट के नुकसान पर समस्तीपुर का कुल योग। सरफराज के लिए ये गेंद था, सिर्फ सिंगल से लिए जा रहे हैं। पारी को जमाने के लिए ये आवश्यक होता है। सरफराज काफी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शतक लगा चुके हैं इस ग्राउंड पर 2019 में। सिंगल फिर से, और इसके साथ ही यहां पर गैदर नहीं कर पाए, थोड़ा सा वाइड, और 5 रन और खाते में जोड़ते हुए समस्तीपुर की टीम में। मिस फील्डिंग, एक रन लिया है। सत्र ओवर की समाप्ति हुई है। 118 रन, 3 विकेट के नुकसान पर समस्तीपुर, जबकि 154 रनों का लक्ष्य रखा गया है गया के द्वारा। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को लपेटा है और शानदार चौका निकलता हुआ। तो अनुकूल राय और सरफराज की जोड़ी यहां पर मजबूती से 48 पर सरफराज पहुंच गए हैं, 49 पर माफ करेंगे, एक रन दूर अपने अर्धशतक से। मौका की पहली 50 आज के मैच में लगे, और जी हाँ, और जी नहीं, कोई भी बल्लेबाज आज अर्धशतक नहीं जमा पाया। सरफराज 49 पर आउट, सुशांत भी 49 रन पर आउट हुए थे। सरफराज ने उन्हें देखा भी था, फिर भी सेव कर, चौथे विकेट का पतन होता हुआ सरफराज के रूप में। तो ये शानदार पारी खेलकर वापस सरफराज आ रहे हैं, वापस मैदान की ओर लौट रहे हैं। 49 रन बनाए समस्तीपुर की तरफ से और दर्शकों का खासा मनोरंजन किया, थोड़ी सी खुशियां तैरी हैं गया के खेमे में, और कहीं ना कहीं से यहां से गया के खिलाड़ी मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। लगातार विकेटों का पतन जब हो तो कोई भी टीम की जो गाड़ी होती है वो पटरी पर दौड़ने लगती है, और देखिए यहाँ पर क्रिकेट ने क्या करवट बदली। अभी सरफराज गए थे और दूसरे बल्लेबाज आए, वो भी मायूस होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं, और दर्शकों में उत्तेजना की लहर आप साफ देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को, ये देखिए हमारे ढेर सारे दर्शक जो इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, और यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा। शानदार क्रिकेटर अशफान खान बीच ग्राउंड में मौजूद, ऑन द हैट्रिक हैं बिल्कुल। गेंदबाज कौन है? रंजन है, कीपर रंजन जो कीपिंग कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने डेट किया गेंद को। एक तो रंजन आर्या कीपर भी अच्छे हैं, व्यक्ति भी अच्छे हैं, और गेंदबाजी भी अच्छी की उन्होंने, और यहां एक अलग दम भर दिया है अपने क्षेत्र रक्षकों में, और दर्शकों में उत्तेजना की लहर भी दौड़ा दी है। काफी ज्यादा बाहर गेंद गिरी थी, अंपायर का इशारा, विनय झा का, वाइड का, और इस अतिरिक्त रनों के जरिए टीम की रन संख्या चली गई समस्तीपुर कुल 100। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे,
और इसी के साथ ये एक शानदार छक्का निकलता हुआ, अंपायर विनय झा का इशारा 6 रनों का, 129 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अशफान खान ऐसी ही बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर इनका पसंदीदा शॉट ये लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन जोन ही है। एक ओवर संपन्न हुआ अभी अभी तुरंत, इस ओवर में दो विकेट निकालकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की रंजन आर्या ने, सफल भी हुए, लेकिन छक्के से उस दंभ को, उस सिलसिले को तोड़ दिया है अशफान खान ने। राजू पांडे अपने स्पेल को बढ़ाते हुए चौथा ओवर लेकर आए हैं। राजू पांडे फारवे एंड की तरफ से, अशफान खान उनके सामने, और अनुकूल राय अब भी क्रीज पर मौजूद। गेंद को डेट किया, बैक टू द बॉलर। ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 19वां, 130 रन, 24 रन बनाने हैं, और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 11 ओवर्स और भी शेष बचेंगे। बिल्कुल सही खेल, क्योंकि यहां से अगर कोई भी विकेट गिरता है तो दबाव खुद ब खुद समस्तीपुर के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इन बातों को वरिष्ठ क्रिकेटर अशफान, खुद कप्तान हैं, बखूबी जानते हैं। हालांकि ललचाने की बहुत कोशिश की जा रही है राजू पांडे के द्वारा। फिर से फ्लैटेड फुल टॉस बनाते हुए कवर से एरिया में खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं, कश्मकश गया बनाम समस्तीपुर के मैच में। फिर से फ्लैटेड लेकिन जमीनी शॉट खेलना पसंद किया अशफान ने, अपनी चिरपरिचित शैली से थोड़ा सा हटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ओवर संपन्न, कुल 19 ओवर समाप्त हुए हैं, समस्तीपुर का कुल योग 130 रन, और काफी देर के बाद एक मेडन ओवर देखने को मिला। 130, 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात समस्तीपुर का कुल योग, जबकि व्यक्तिगत रन स्कोर की बातें करें, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अशफान खान, और अनुकूल राय काफ़ी देर से यहां पर टिके हुए हैं अपने कुल 13 के निजी योग पर। नया ओवर शुरू होता हुआ, और यहां पर एक ज़्यादा उछाल लेती हुई गेंद साइड स्क्रीन की तरफ जा रही है, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए लौट रहे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए, और अंपायर विनय भूषण का इशारा बाई का, एक रन शॉट बताया उन्होंने। बाई के 2 रन, और यहां पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, और जिस तरह गेंद में मूवमेंट थी, इसमें अंपायर ने कहा कि भाई रंजन जो अब तक अच्छी गैदरिंग कर रहे थे विकेट के पीछे, अब विकेट के आगे से गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 लगातार विकेट इन्होंने चटकाए, और यहां पर इस मैच को एक मोड़ देने की कोशिश की। जहां तक कुल रनों का प्रश्न, तो समस्तीपुर का कुल योग है 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन, और जीतने के लिए यहां से मात्र 21 रनों की आवश्यकता है रंजन अशफान के लिए। अशफान ने गेंद के आने का इंतजार किया, ड्राइव किया कवर से एरिया में, रन की कोई गुंजाइश नहीं, विकेट कीपर ऊपर, स्लिप का क्षेत्र खाली, एक गली, बिल्कुल सही किया है, सिंगल के जरिए ही आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना चौके छक्के के फेर में कई टीमें जीतते जीतते हार गई हैं, आपने देखा होगा इंटरनेशनल या स्थानीय स्तरों पर। अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, इन सारों बातों को बखूबी समझते हैं, जानते हैं,
काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुकूल राय, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और साथ ही साथ भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजे जाने वाले अनुकूल राय की उपस्थिति इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और गौरव की बात तो हम कहेंगे इस आयोजन के लिए श्री नीरज किशोर प्रसाद, श्री सुनील गुप्ता, राघवेंद्र झा, विनय भूषण जी, अमित मोहन का, नवीन गुप्ता जी का, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन विगत 3 डिकेट्स से करवा रहे हैं, 3 दशक से ये आयोजन सुपौल की धरती पर होना ये निश्चित तौर पर बिहार के लिए गर्व की बात है। चंद लम्हे बचे हुए हैं, उनका आनंद लीजिए और कल फिर आइएगा 10 बजे मुजफ्फरपुर बनाम अररिया के मुकाबले को देखने के लिए। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप 2021 में ये शानदार जमदार जन्नतीदार छक्का जड़ा है अनुकूल राय के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। समस्तीपुर की टीम को और लीजिए 14 में 6 और घटा दीजिए या 4 घटेगा, ये तो इशारा आने के बाद हम आपको बताएंगे। और चौके का इशारा आता हुआ, 1 छक्का 1 चौका, 10 रन और चाहिए जीतने के लिए। कुल रनों की संख्या 145 के बाद ये जोड़िए एक और छक्का, क्या बात है भाई। अब तो मात्र एक बाउंड्री की आवश्यकता पड़ेगी। 151 दमदार बल्लेबाजी अनुकूल राय ने, सिर्फ गेंद से जलवा नहीं दिखाया बल्कि बल्ले से भी जतलाया कि भाई हम सिर्फ गेंदबाजी नहीं है। एक अदद बाउंड्री और यहां पर अभी जीत दूर, अभी इंतजार करना पड़ेगा 1 रन और लीजिए। यहां पर ये शायद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है धीरे धीरे धीरे, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया। दर्शक ग्राउंड में नहीं आए, शानदार तरीके से 5 विकेट से जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया है समस्तीपुर की टीम ने, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक सूचना देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि कल आप फिर से आए यहां और देखें अररिया बनाम मुजफ्फरपुर का मुकाबला। इस सूचना के साथ मैं YouTube चैनल के दर्शकों से PN शेखर, अपने सहयोगी अमित अग्रवाल, रोशन जी, अभय कुमार और दोनों साथी अंपायर विनय झा और अनिल गुप्ता के साथ वापस लिए चलता हूं अपने स्टूडियो। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ।